नमस्कार दोस्तों, फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे फैंटेसी टिप्स एंड बेस्ट ड्रीम 11 कॉम्बिनेशन फॉर सीएफ अमेरिका वर्सेस सैंटोस लगुना। मेक्सिकन लीग का ये गेम 20 अक्टूबर को अर्ली मॉर्निंग 5:35 AM को खेला जाएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोनों टीम्स का करंट फॉर्म, हेड टू हेड रिकॉर्ड, दोनों टीम्स की एक्सपेक्टेड लाइनअप, कौन है की प्लेयर्स आपके लिए जो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन बन जाते हैं, एंड कैसे बनानी चाहिए आपको इस गेम के लिए अपनी ड्रीम 11 टीम। अगर आपको आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपका फीडबैक हमारे लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, एंड हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में छोड़ी है। क्योंकि इस गेम की जो फाइनल टीम होगी लाइनअप अनाउंस होने के बाद जो हम प्रोवाइड करेंगे वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही आपको मिलेगी। मेक्सिकन लीग के लीग टेबल पर नजर डालेंगे तो सीएफ अमेरिका करंटली टेबल टॉपर्स है। 13 गेम्स में से 8 गेम्स इन्होंने जीते हैं, 4 गेम्स ड्रॉ करे हैं एंड एक ही गेम अब तक इन्होंने हारा है। 28 पॉइंट्स के साथ ये कंफर्टेबली बाकी टीम्स के ऊपर लीग टेबल के टॉप पे करंटली है। सैंटोस अगर आप देखोगे तो स्ट्रगल कर रही है काफी, 11th पोजीशन पे है, 12 में से सिर्फ 3 गेम्स जीते हैं, 7 गेम्स इन्होंने ड्रॉ करे हैं एंड 2 गेम्स हारे हैं, 16 पॉइंट्स के साथ है ये। इन दोनों टीम्स में करंटली 12 पॉइंट्स का डिफरेंस है। दोनों टीम्स के रीसेंट परफॉर्मेंसेस पे भी नजर डालेंगे तो पिछले 5 गेम्स में सीएफ अमेरिका ने 2 गेम्स जीते हैं, 2 गेम ड्रॉ करे हैं एंड 1 गेम हारा है। टोटल सिर्फ 4 गोल्स इन्होंने स्कोर करे हैं अपने पिछले 5 गेम्स में। सैंटोस लगुना का फॉर्म तो बहुत ही खराब चल रहा है, पिछले 5 गेम्स में से सिर्फ एक ही गेम ये जीत पाए हैं, 2 गेम्स हारे हैं एंड 2 गेम ड्रॉ करा है। 5 गोल्स इन्होंने पिछले 5 गेम्स में कंसीड करे हैं। कुछ और की स्टैट्स पर ध्यान देंगे, सीएफ अमेरिका ने अपने पिछले 5 होम गेम्स में क्लीन शीट रखी है तो होम पे इनका फॉर्म बहुत ही बढ़िया चल रहा है। इनफैक्ट अपने पिछले 6 में से पिछले 7 होम गेम्स में से 6 गेम्स सीएफ अमेरिका ने जीते हैं तो होम पे ये बहुत ही तगड़ी साइड है। इस गेम में भी हमारे हिसाब से ये क्लियर फेवरेट्स होंगे। सैंटोस लगुना ने अपने पिछले 5 अवे गेम्स में सिर्फ एक ही गेम में जीत हासिल करी है तो अवे में ये टीम करेंटली काफी स्ट्रगल कर रही है। मोस्ट ऑफ द गेम्स तो सैंटोस लगुना ड्रॉ ही कर रही है। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टैट्स और एनालिसिस में इंटरेस्ट रखते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे गेम होते हैं फुटबॉल के और क्रिकेट के जो हम वीडियो प्रीव्यू के थ्रू तो कवर नहीं करते, लेकिन वो सारे गेम्स हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे कवर कर लेते हैं, उसकी फाइनल टीम भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में मैंने जो लिंक दी है वहां से फटाफट चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोनों टीम्स के एक्सपेक्टेड लाइनअप पे नजर डालेंगे तो सीएफ अमेरिका 4-2-3-1 इस फॉर्मेशन में खेलेंगी। हेनरी मार्टिन इनके अटैक लाइन को लीड करेंगे, फिडाल्गो मिडफील्ड से एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं। अगर सैंटोस लगाना की लाइनअप की बात करोगे तो हमारे हिसाब से ये ट्रेडिशनल 4-4-2 फॉर्मेशन में खेलेंगे, जहां पे अलेसियो डा क्रूज इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट अटैकिंग प्लेयर बन जाते हैं। अभी दोनों टीम्स के जो डोमेस्टिक लीग है मेक्सिकन लीग लीगा एमएक्स अपुर्चुरा उसके जो स्टैट्स है उस पर नजर डालते हैं तो आप देखोगे अमेरिका के लीडिंग स्कोरर है रेयास विद 3 गोल्स एंड 3 असिस्ट, फिडाल्गो के अब तक 3 गोल आ चुके हैं, एच मार्टिन के 1 गोल और 1 असिस्ट आ चुका है, लायन एक इनके काफी अच्छे अटैकिंग डिफेंडर है, ये करंटली आपको इस लिस्ट में नहीं दिख रहे लेकिन वो असिस्ट देने की काफी पोटेंशियल रखते हैं। तो ये मोटा मोटा की प्लेयर्स बन जाते हैं फ्रॉम सीएफ अमेरिका। अगर आप सैंटोस लगुना की साइड से देखोगे तो एडक्रूस आपको दिखेगा, इनके 2 गोल्स आ चुके हैं, गोरायरन इनके लीडिंग स्कोरर है विद 3 गोल्स, अगर वो इस गेम में स्टार्ट करते हैं तो एक डेफिनेट पिक बन जाएंगे। एफ टॉरेस के भी 2 गोल अब तक आ चुके हैं, ओटेरो मिडफील्ड से एक अच्छे इन्फ्लुएंशियल प्लेयर है जिनका अब तक 1 गोल आ चुका है। अभी देखते हैं कैसे बनाई है हमने हमारे ड्रीम 11 टीम। फॉरवर्ड्स में हमने एच मार्टिन एंड एडक्रूस इन दोनों को सिलेक्ट किया है, ये दोनों ही प्लेयर्स काफी तगड़े कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन बन जाते हैं। आपको अगर सेफ खेलना है तो आप इन दोनों को अपना कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन बना सकते हो। मिडफील्ड में फिडाल्गो, ओटेरो, प्रिएटो एंड लाइनेस इन 3 प्लेयर को हमने सिलेक्ट किया है, जिसमें से फिडाल्गो एंड ओटेरो अच्छे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन बन जाते हैं। डिफेंस देखने से पहले दोस्तों, अगर अब तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को हिट करिए ताकि इसके आगे हम जो भी वीडियो डालें उसका आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन आ जाए।
डिफेंडर्स हमने 300 अमेरिका से ही पिक किए हैं करंटली, क्योंकि हमारे हिसाब से होम पे वो खेल रही है, उनका होम पे विन रिकॉर्ड भी अच्छा है, क्लीन शीट का रिकॉर्ड भी अच्छा है, तो काफी हाई चांसेस बनते हैं उनके कि वो इस गेम में भी क्लीन शीट रखे। तो तीनों डिफेंडर्स हमने करंटली सीएफ अमेरिका से सिलेक्ट किए हैं। कीपर हमने सैंटोस लगुना से सिलेक्ट किया है। जो डिफेंडर्स है उसमें से लायून एक अच्छे वाइस कैप्टनसी ऑप्शन बन जाते हैं। ये डिफेंडर आपको काफी अटैकिंग पोजिशन में दिखेंगे, क्रॉसेस काफी डिलीवर करते हैं, असिस्ट का पोटेंशियल रखते हैं, काफी चांसेस क्रिएट करते हैं, तो ये एक अच्छे वाइस कैप्टनसी ऑप्शन आपके लिए बन जाते हैं। अभी भी हमारे पास 9.5 क्रेडिट्स बाकी है, तो इस गेम में क्रेडिट इशू तो आपको नहीं आएगा। तो देखते हैं कौन से है 11 प्लेयर के ऑप्शन जो आपको मल्टीपल जीएल कॉम्बिनेशन बनाने में हेल्प करेंगे। अगर आपको एक स्लाइटली बैलेंस टीम बनानी है और आपको सैंटोस लगुना से भी प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, तो आप एडवार्डो अगुवेरे को ले सकते हैं, ये एक डिसेंट अटैकिंग ऑप्शन आपके लिए बन जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपने तीन डिफेंडर्स क्लब अमेरिका से लिए हैं, तो आपको एक डिफेंडर सैंटोस लगुना से उठाना है, तो हमारे हिसाब से ओमार कैंपोस एक अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए। क्लब अमेरिका हमारे हिसाब से इस गेम में काफी डोमिनेट करेगी, तो आप जो 11th प्लेयर है वो इनके टीम से सिलेक्ट कीजिए, ऐसा हम आपको सजेस्ट करेंगे। निकोलस बांडेटी एक अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं एंड मिडफील्ड में माद्रिगाल एक अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं, तो इन दोनों प्लेयर्स में से किसी एक को आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपकी टीम 7:4 के रेशियो में बन जाएगी फेवरिंग अमेरिका। आपको ये याद रखना है दोस्तों, ये हमारी फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे वंस द लाइनअप्स आर अनाउंस्ड, डेडलाइन से 10 से 15 मिनट पहले। तो उसके लिए आपको सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में छोड़ी है। आपको ये याद रखना है दोस्तों, फैंटेसी गेमिंग में फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व होता है, इसकी लत भी लग सकती है, तो प्लीज रिस्पॉन्सिबिली खेलिए, आपकी जितनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है उस हिसाब से ही इसमें इन्वेस्ट करें। इस गेम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे किसी फुटबॉल या क्रिकेट रिलेटेड वीडियो में, धन्यवाद।